दीजिए आप। खांसी कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ हो जाएगी, ठीक हो रही है। डिस्पेंसरी में दिखा देते हैं आप। ऐसे ही ठीक हो जाने क्या डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी में दिखानी। नहीं नहीं दिखा देते एक बार तो तसल्ली हो जाती। दिखा लेंगे। इनका गोबर ओबर उठा लो यार तुम। क्या दिक्कत है? खांसी हो रही है डॉक्टर साहब। कब से? अभी 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन। देखिए मैं अभी कोई दवाई तो लिख नहीं सकती हूँ तो फिर, क्योंकि आपको कुछ और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। अच्छा। तो आप ऐसे कीजिए, आप टेस्ट करा दीजिए नाहन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर, ठीक है? तो मैं टेस्ट के नाम लिख लेती हूँ। कोई दवाई वही आप ही दो ना डॉक्टर साहब, बड़ी दूर है हॉस्पिटल। वो खांसी और थी काफी टाइम से, दवाइयाँ चाहिए खांसी वाली। क्या उधर डॉक्टर साहब के पास क्या उन्होंने बड़े टेस्ट वेस्ट लिख दिए, बोले कि हॉस्पिटल जाओ चेक करवा के आओ। वो खांसी हो रही है काफी टाइम से ना। अरे कोई खांसी है ना, खांसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी दवाई दूंगा मैं। अच्छा। 3 दिन के अंदर बिल्कुल, 3 दिन में सुबह और शाम 3 दिन तक खांसी दवाई। और आप तो उधर जाना नहीं फिर हॉस्पिटल वगैरह? आपको कुछ ज्यादा खांसी हो रही है? अब तो खून भी आने लग गया खांसी में, इतना ज्यादा खून। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इसमें। आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी अब। छाती में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, अभी बलगम भी खून आ रहा है अभी बलगम के साथ ना, 2-3 दिन से। अच्छा, खाना ठीक खा रहे हो आप? खाना बिल्कुल नहीं खा रही है। बुखार भी आ रहा है, रात को रात में बुखार भी आ रहा है, पसीना बड़ी तेज आता है अभी। और वजन भी कम हो गए? वजन भी कम हो गया। मैं ये टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप करवा लीजिएगा, रूम नंबर 206 वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे डॉट सेंटर तक यहाँ पे है, डॉट सेंटर 206 में, वहाँ पे चेकअप करवा दीजिए। कोई बात नहीं, आप फिर से आइएगा, रिपोर्ट दिखा दीजिए। ये एक AFP वाली ट्यूब देना। हाँ जी, डिटेल लिखना। हाँ, क्या नाम है आपका? ये महेंद्र। हाँ महेंद्र। और कहाँ पे जी? काले आम है। और टेलीफोन नंबर भी देना, बताना टेलीफोन नंबर। 9881 0518 0518। हाँ, तो इसमें आप अपने बलगम का सैंपल देना, इसमें अभी और इसमें सुबह खाना खाने से पहले का सैंपल, समझ गए ना? अच्छा जी। हाँ ठीक है, चलिए।
बीवी कैसी है आपकी? जी मैम बढ़िया है, आप सुनो आप ठीक हैं? जी वो आपने सैंपल मंगवाया था ना, ये लीजिए मनीष जी। जी नंबर बता दो कौन सा? 2049 नंबर है इनका। 2049 हाँ हाँ, तो आपका नंबर 2049 है, 2049, समझ गए ना? हाँ ये बता देना आप उधर डॉक्टर के पास, ठीक है? ठीक है। ये इस पेशेंट का क्या हुआ? बस ओके जी, नमस्ते। ये सैंपल मंगाया जी? जी जी हाँ जी। ये आपने ना रिपोर्ट्स ले लेनी है अपनी, एक घंटे बाद जाके सीवी नाट रूम से, ये आगे ये परली साइड को थोड़ी सी, एक घंटे बाद वहां से पक्का लेके जाना रिपोर्ट्स वहां पे। जी ठीक है, बाकी हम करेंगे। ये बताओ इसका क्या था सैंपल? हाँ जी बताइए। महेंद्र राम? हाँ जी। ये रिपोर्ट आप डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं। ये यहाँ डॉट सेंटर से कराया आपने? हाँ जी सर, बाहर से। पहले किसी आए आप? नुकसान वो बाहर ये हॉस्पिटल काफी दूर पड़ता है हमसे, तो बाहर उधर दवाइयाँ ले रही थी। केमिस्ट से ले रही दवाइयाँ? हाँ वो जो भी होता है उधर, वो मेडिकल स्टोर से। अच्छा, अब ये आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए डॉट सेंटर में, आपको आरएनटीसी प्रोग्राम के तहत सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलेंगी, ठीक है? अगर आप थोड़ा पहले आते तो आपके टेस्ट सब कुछ मुफ्त हो जाता, पर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हमारी भारत सरकार इसकी फुल ट्रीटमेंट देगी, तो कुछ डरने की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, बट जो कोर्स आपको देंगे उसे पूरा करना और बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है? आप ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या है इन्हें? इन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, लेकिन वो ट्रीट हो जाएगी, कुछ डरने की बात नहीं, बस दवाई खानी है। डरने की कोई बात नहीं है, आपने दवाइयाँ टाइम से ले ली है, जितना आपको दिया गया है वो आपने समय से लिया जाना सकता है, ठीक से खा लेना। अरे मिस्टर महेंद्र भाई कैसे हो आप? एक्चुअली ना मुझे आपसे पूछना था कि आप अपनी दवाई वगैरह सब कुछ टाइम समय से खा रहे हो कि नहीं? हाँ दवाइयाँ तो अभी तो टाइम से खा रहा हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं है, आज आप लग रहा है कि छोड़ दूंगा सब सही हो गया। नहीं नहीं महेंद्र भाई ऐसा नहीं करते, बीच में दवाई छोड़नी नहीं होती, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि पूरा ट्रीटमेंट पहले करना है। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत है हल्की फुल्की, पर आप दवाई बीच में छोड़ना नहीं, डॉक्टर साहब ने जब तक कहा है तब तक आप पूरा कोर्स करिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। बीमारी से छुटकारा तो मिला? हाँ यार बड़ी दिक्कत हो गई थी बड़े दिनों से, लेकिन भगवान का शुक्र है अब ठीक हो गए। चलो क्या हुआ बेटा? और लगता है इसको भी मेरी वाली बीमारी हो गई, हॉस्पिटल लेके चलते हैं अभी, और वो पहले वाली लापरवाही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है।